डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से Thank you.
इसके बाद निवेदन करेंगे हम सारे माननीय आमंत्रित स्पीकर को, वो भी पिटीशन में अपना ज्ञान तो उन्होंने आज हमें आम के समय में खूब दिया है, अब कंपटीशन में भी थोड़ा करके दिखाएंगे। बाकी है अभी
वेरी गुड, केवल 9 सेकंड बाकी हैं। 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, खत्म, टाइम फिनिश। प्लीज कॉम्पिटिशन के विजय रहे हैं मीनू, तो मीनू मैडम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनके लिए तालियां बजाएं प्लीज, तालियां। मीनू मैम से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे जाएं और डॉक्टर मोहन जी से अपना इनाम ग्रहण करें प्लीज। थैंक यू मैम। जो बच्चे और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बच्चे आगे आ जाएं प्लीज। मेरे किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी आ सकते हैं इस कॉम्पिटिशन में। किसान भाई हमारा कोई आम नहीं माना जाता, दो किसान भाई और आ जाए, छोटे बच्चे हाँ उस बच्चे ने पकड़ लिया, आ जाओ बच्चे। ये टेक्निकल आदमी है। कोई और है पार्टिसिपेंट जो हिस्सा लेना चाहता हूँ? Thank you.
और मेरे जो किसान भाई हमारे खेत में हिस्सा लेना चाहते हैं, प्लीज आप आगे आए। जो हमारे इस सेक्टर का स्टाफ है वो भी हिस्सा ले, वही तो है लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी वाले थे भाई, यदि वो भी हिस्सा देना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। आइए प्लीज सिक्योरिटी आए। वही आ रही है और जो मेरे वही चल रही बच्चे टीचर्स जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं कृपया आगे आ जाए। और कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन में। एक एक प्लेट के आगे खड़े हो जाओ, जो मैं आपको रूल बता देता हूँ कंपटीशन के, एक मिनट में जो भी ज्यादा आम खाएगा वही विजयी बनेगा, ठीक है। एक मिनट का समय दिया जाएगा आपको और जो एक मिनट में ज्यादा आम खाएगा वो जीतेगा कंपटीशन को। शुरू करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन। वेरी गुड, बीच वाला मेरे को ज्यादा सही खा रहा है, फटाफट खाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 20 सेकंड हो चुके हैं। वेरी गुड, फटाफट खा, चलो चलो। 30 सेकंड हो सकते हैं, नेक्स्ट पे 25 सेकंड बाकी हैं। अगले में चल, जूस नहीं निकाल रहे, खाने हैं खींच दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, केवल 5 सेकंड बाकी हैं। और आपका टाइम समाप्त, थैंक यू। सक्षम ने बाजी मारी है आपकी बार और सक्षम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है सबसे ज्यादा आम खा के। सक्षम हाथ धो के बेटा स्टेज पे जाएं और अपना इनाम ग्रहण करें प्लीज। और जो मेरे भाई जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं मैंगो ईटिंग कंपटीशन में,
वो भी हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी हमारे स्टाफ का भी कोई यदि सदस्य है वो हिस्सा लेना चाहता है तो वो हिस्सा ले सकते हैं। मैंगो पीकिंग कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कृपया आगे आ जाए। मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन में जो भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो कृपया आगे आ जाए स्टेज पे। नाम लेना कह दिया जी सर। आ जाए प्लीज शर्माए ना। जो भी सदस्य जो भी सज्जन इस कैंपस में उपस्थित है वो सब एलिजिबल हैं इस मैंगो को मीटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो कृपया आगे आ जाए। एक सेशन और आ जाए प्लीज। फिर निशान से बात कर ले रहे यूट्यूब के लिए कुछ कह रहा होगा ताकि नीचे आ रहा है ना डांस करे और ऊपर हो गया तो बढ़िया उनके पेज में हाँ वहाँ बोलना पड़ेगा तीन महीने वहाँ उनको बोलना पड़ेगा इंसान करे अभी वाला नहीं वो वाला कराना ना सर जो मंत्री वाला जिसे मिनिस्टर थे। तो मिस्टर कृष्ण और श्री गुरलाल सिंह हिस्सा ले रहे हैं मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन में। चलो देखते हैं कौन जीतता है। एक मिनट आपने कमरे में चलता हूँ वेरी गुड। 20 सेकंड हो चुके हैं बचाए ना। तीस सेकंड 35 वेरी गुड 40 सेकंड आपके में दिखा रहे हैं हिलता है 50 हाँ यार मारियर बैकग्राउंड है हमने भी मतलब नहीं रखा यहाँ भी कितने ये करते हैं फोटो खींच और ये समय समाप्ति घोषणा यहाँ फोटो हो गया और पीछे की तो इन इस कंपटीशन में कृष्ण जी की जीत हुई है। कृष्ण जी कृपया स्टेज पे जाएं और अपना पारितोषक ग्रहण करें प्लीज। और कोई जो प्रतिभागी इस मैंगो ईटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है तो कृपया आगे आ जाएं। भाई तो साफ कर दे प्लीज साफ कर दो एक बार लगा दे इसे और जो मेरे भाई कोई इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आ जाए प्लीज।
जल्दी आए प्लीज, जल्दी आए, जल्दी आए। आओ आओ, लगा दो भाई, लगाओ जल्दी। इस पंखे को ना इधर घुमा दो, एक पंखे को इधर, एक पंखा इधर घुमा दो कॉम्पिटिशन की तरह। तो हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड भाई इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जरा देखते हैं कि कौन ज़्यादा मैंगो खाता है। जल्दी से आओ प्लीज़, जल्दी तोड़ के। जल्दी आइए प्लीज, जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर मैंगो एटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कृपया जल्दी से आगे आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए स्टार्ट करो आप लोग प्लीज, योर टाइम स्टार्ट नाउ। अलग अलग प्लेट में आ जाओ, दस सेकंड हो चुके हैं, जो ज्यादा आम खाएगा वही जीतेगा। एक मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, जो ज्यादा आम खाएगा एक मिनट में, सामने देख के खाएं, शर्माए ना। वेरी गुड, 30 सेकंड हो चुके हैं आपके, अभी तक एक भी मैंगो समाप्त नहीं हुआ है इनका। तो 50 सेकंड हो चुके हैं, और ये टाइम समाप्त की घोषणा। कितने मैंगो खाए आप लोगों ने? एक डेढ़, एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक आम खाया और एक ने डेढ़ आम खाया है, क्या बात है। तो आपके क्या नाम है? मोंटी। मोंटी जी कृपया हाथ धो के आप अपने स्टेज पे जाएं और अपना इनाम ग्रहण करें प्लीज। तो क्या है? रंगोली में हमारी आप तो क्या है, जैसे कृष्णा जागरण, ये एग्रीकल्चर का है सब कुछ, मैगजीन भी है और हमारा डिजिटल एंड सोशल मीडिया। ये रंगोली किसने बनाई है? कृपया वो टीम के साथ आगे आ जाए प्लीज, आगे आ जाए कृपया। ये जो आप रंगोली यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चाहत और अनुराग ने बनाई है और इस रंगोली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है सभी रंगोली के कंपटीशन में। तो तालियां बजाएं इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। मैं निवेदन करूँगा बच्चों से कि वो स्टेज पे जाएं और माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय से अपना इनाम ग्रहण करें प्लीज।
चाहत और अनुराग प्रथम पुरस्कार रंगोली कॉम्पिटिशन के लिए। तालियां बच्चों के हौसला अफजाई के लिए तालियां अपनाएं कृपया। सेकेंड रंगोली कॉपी कॉम्पिटिशन में जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ये रंगोली आई है उसमें, तो टीम प्लीज आगे आ जाएं। क्या नाम आपका? महक। महक और मैडम प्रवीण ने ये रंगोली बनाई है और इस कॉम्पिटिशन में उन्होंने सेकेंड प्राइज प्राप्त किया है। प्लीज तो मैं निवेदन करूंगा माननीय डायरेक्टर महोदय से कि वो बच्चों का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई करें और आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो तालियां बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाएं। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रंगोली कंपटीशन में जिस रंगोली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं और मैं निवेदन करूंगा सभी टीम मेंबर से जिन्होंने इस रंगोली को रचा है वो कृपया आगे आ जाएं और मैं निवेदन करूंगा माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय से कि वो रंगोली कंपटीशन में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को भी पुरस्कार देकर सम्मानित करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय से कि वो आज के जो स्पीकर हमारे आए हुए हैं उनको सीट देकर सम्मानित करें। डॉक्टर गुलशन जी प्लीज स्टेज पर जाएं। प्लीज तालियां बजाकर धन्यवाद करें डॉक्टर साहब का। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गोयल जी से कि वो स्टेज पर जाएं। प्लीज मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री साहब सिंह डबास जी से जो उन्होंने इस मेले को कामयाब बनाने के लिए अपना सहयोग इस विभाग को दिया है, उन्हें भी सम्मानित करें। साहब सिंह जी एफपीयू के प्रेसिडेंट हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की मार्केटिंग में प्रोड्यूस की।
मैं निवेदन करूँगा माननीय जजेस महोदय से कि वो जो आईटी की जो टीम आई हुई है हमारे यहाँ पे, और जिनकी वजह से ये हमारा वेबिनार का ऑनलाइन जो प्रोसेस रहा है सक्सेस कामयाब हुआ है, उनको भी एक मोमेंट को देके उनको सम्मानित करें। थैंक यू सर। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। उद्यान विभाग हरियाणा, आप सभी विदित हैं, इसने यहाँ एक सेक्टर में जो 30 एकड़ जमीन में बनाया हुआ है और बहुत ही कम समय में इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर ली है। यहाँ पर जैसा आपको पता ही होगा, जब उद्घाटन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री अमेश्वर इजराइल, हमारे मंत्री जी जो उस समय थे, हमारे विभाग के अधिकारी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जुआ था। उसके बाद मैंगो मेले के नाम से पिंजौर में एक प्रोग्राम होता है आ रहा है पिछले काफ़ी वर्षों से, तो विभाग ने सोचा कि जब एक लाडवा में हमारा इतना अच्छा सेंटर हम बना चुके हैं, यहाँ आम व अन्य सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे अनार, चीकू, लीची, अमरूद, इस तरह की फसलें हमने यहाँ अलग अलग प्लांटिंग स्पेसिंग टेक्नोलॉजीज कैनोपी मैनेजमेंट इनके ऊपर वैराइटीज़ का ट्रायल हम कर चुके हैं, तो क्यों ना इस मेले को यहाँ पर ही हम ऑर्गेनाइज कर दें ताकि किसान जो इस संबंधित हैं, इस एरिए से हैं, आसपास के किसान हैं, उनको यहाँ आने में भी कोई समस्या नहीं है। बड़ा अच्छा सेंटर है और टेक्नोलॉजी देख सकते हैं वो वास्तव में, तो हमने इसको यहाँ करना शुरू कर दिया पिछले 2 सालों से। ये 3रा साल है अब यहाँ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अभी तक इस प्रोग्राम को एक मैंगो मेले के नाम से हम कर रहे थे, बट तभी सोचा जबकि सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स इसका नाम है तो क्यों ना बाकी फसलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि कोविड भी है, सोशल डिस्टेंसिंग मद्देनज़र रखते हुए और एक सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ आइसोलेशन आइसोलेशन है, सैनिटेशन है, इसको करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये नहीं कि सिर्फ विभाग के लिए, सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी की आँख लगी होती है किसी भी प्रोग्राम को करने में, तो डॉक्टर पवन बात मजबूत किए और एक इस चुनौती को, इस बीड़े को उठाया कि हम इस प्रोग्राम को करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या माने नहीं देंगे। मंत्री महोदय भी कल तक भी हमारी बात हुई जब उनसे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बरती ना जाए, तो ये डिसीज़न हुआ एट लास्ट कि इसको एक दिन की बजाय, 2 दिन की बजाय 5 दिन का किया जाए और 5 दिन एक स्पेसिफिक क्रॉप के ऊपर लेके चले हम। जैसे आज आम दिवस के नाम से हम इसको मना रहे हैं, कल इसको दूसरी फसल लीची दिवस के अनुसार मनाएंगे, इस तरह चौथे दिन आएगा अनार, इसमें अमरूद है, फिर अनार है 5वें दिन, तो उस दिवस के हिसाब से हम इसको मनाएंगे। आज आम दिवस था, एक मैंगो ईटिंग कम्पिटिशन हुआ, क्विज कम्पिटिशन, बाकी मंत्री महोदय ने किया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया, एक वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार एक नाम दे दिया, उसमें विभिन्न वैज्ञानिक गण जो दूर दराज बैठे हुए हैं हम उनका ज्ञान भी यहाँ ले सकते हैं, उनके लिंक्स हमने शेयर किए सभी को, मीडिया हाउसेज को हमने इन्वाइट किया, मीडिया के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें पब्लिसिटी की ताकि किसान इससे जुड़ सके। और मैं यहाँ बैठा बैठा देख रहा था लाइव स्ट्रीमिंग, लगभग 1 लाख हिंदुस्तान में लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे प्रोग्राम से,
जो हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके साक्षी आप और आप हैं, अब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये भी हमारा सारा लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइजर्स खासकर CSTF लाड़ा हाउस, उसकी टीम और यहाँ पे जो आए हुए हैं आगंतुक हैं, किसान हैं, पूरे हरियाणा के किसान आए हुए, इन सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि अगले 4 दिन ये प्रोग्राम इससे भी अच्छी तरह से आगे ऑर्गेनाइज हो, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हो कि सरकार हमारे को कहे कि ये प्रोग्राम हर साल करें, 5 दिन या 10 दिन का करें। तो अंत में मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और कल सुबह 10 बजे इसी प्रोग्राम पे यहाँ जैसे जैसे शामिल होने हैं, जो भी एंट्री प्रोसीजर है, विजिटर्स कितने आने हैं, कहाँ से आने हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान करते हुए, कल फिर हम यहाँ सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे इस प्रोग्राम में, कल फिर एक नई उत्साह, नई एनर्जी के साथ इसको दोबारा करने के लिए इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। लंच का आयोजन किया गया है, गेस्ट हाउस का प्रयोजन है, और बैठ नोट चलते हैं, तो आप सब अपना अपना लंच लेके